नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है इस पर केंद्रित है कि केबीएस पीजीटी का जो पेपर हुआ है, केबीएस पीजीटी का जो भी पेपर पेपर हुआ है, पीजीटी का जो पेपर हुआ है, और जो पेपर जो परीक्षाएं अन्य नॉन टीचिंग की जो हुई हैं केबीएस में, केंद्रीय विद्यालय में, उसका आंसर की कब तक आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसी का वेट कर रहे हैं कि आंसर की कब आएगा। एक बात आपको बता दूं, आज या कल में एक आंसर की केबीएस का आया हुआ है, और बहुत सारे लोग यह सोच रहे हैं कि अभी कुछ समय पहले जो उन्होंने पीजीटी दिया हुआ है या टीजीटी दिया हुआ है, यह आंसर की उसी चीज़ का है, उसी सब्जेक्ट का है। ठीक है, तो अभी आप यह जान लें कि अभी जो आज के डेट में शायद आंसर की आई हुई है केबीएस की, वह बहुत पहले जो परीक्षा हुई थी उसका आंसर की है, और वह नॉन टीचिंग की है। ठीक है, नॉन टीचिंग की भी है और कुछ पीआरटी का था। वह परीक्षा जो 7, 8 और 9 तारीख को हुई थी, उस परीक्षा का आंसर की आया हुआ है। ठीक है, अभी जिसका आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिस आंसर की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसका अभी आंसर की नहीं आया हुआ है। मतलब अभी टीजीटी का और नॉन टीचिंग कुछ परीक्षाएं हुई हैं इधर भी, टीजीटी का और पीजीटी का, उसका आंसर की नहीं आया हुआ है। तो उसका आंसर की कब तक आ जाएगा। ठीक है, केबीएस टीजीटी पीजीटी और पीआरटी जो परीक्षाएं हैं, उसका आंसर की कब आ जाएगा। मतलब जो परीक्षाएं इधर 2-4 दिन में हुई हैं, या जो अभी 2-4, 5, 7 दिन में 23 फरवरी तक लगातार होगी, उसका आंसर की कब तक आने की उम्मीद है। तो देखिए, ये जो 7, 8, 9 को परीक्षाएं हुई हैं, उसका आंसर की आपका 20 फरवरी को आया है। तो यह बात आप जान लें, लगभग 10 दिन के अंदर आपका भी आंसर की आ जाएगा। मतलब जब ही जब आपकी परीक्षाएं हुई हैं, तो अभी मेरे ख्याल से 28 फरवरी तक आपका पीआरटी लास्ट आपका परीक्षा होगा। पीआरटी का आखिरी परीक्षा जो होगा वो 28 फरवरी को होगा। तो उसका आंसर की, मतलब अगर हम मान लें कि केबीएस टीजीटी का, पीजीटी का, पीआरटी का, या फिर टीचिंग और नॉन टीचिंग की जितनी भी वैकेंसियाँ इधर इधर आई हुई हैं, तो उसका आंसर की कब तक आएगा। तो लगभग आप मान लें कि 8 मार्च तक, लगभग 6 से 10 मार्च के मध्य आपके सभी आंसर की आ जाएंगे। चाहे आप कोई भी परीक्षा दिए हों केबीएस के, वो सभी आंसर की आपके 6 से 10 मार्च के मध्य देखने को मिल सकता है, या उससे भी पहले को देखने को मिल सकता है। लेकिन 6 से 10 मार्च के मध्य आपका आंसर की सभी सब्जेक्ट का आ जाएगा। चाहे आपका जो भी परीक्षा हुआ हो, टीजीटी का, पीजीटी का, पीआरटी का, टीचिंग और नॉन टीचिंग, वन सबका जो आपका आंसर की है वो 6 से 10 मार्च के मध्य आ जाएगा। रिवाइज आंसर की कब आएगा, तो रिवाइज आंसर की समझिए 2-4 दिन में रिवाइज आंसर की भी आ जाता है। और बहुत जल्द यह पूरी संभावना है कि मार्च के लास्ट में आपका, कम से कम मार्च के अंतिम सप्ताह तक, 31 मार्च तक, मान लीजिए कि 31 मार्च तक आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, पूरी तरह से रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, मार्च के लास्ट तक, 31 मार्च तक पूरी तरह से जो भी केबीएस टीजीटी पीजीटी पीआरटी की जो भी परीक्षाएं हो रही हैं या होने वाली हैं 2-4 दिन में, उन सबका रिजल्ट आपको 31 मार्च के मतलब मार्च के अंतिम सप्ताह में देखने को मिलेगा, और आंसर की जो 6 से 10 मार्च के मध्य आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर केबीएस का प्लानिंग ये होता है, केबीएस में वैकेंसी अगर ये तो आती नहीं है, अगर आती है तो बहुत समय सीमा के अंदर यह पूरी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। केबीएस की यह खासियत है। ठीक है, और यह बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ नहीं केबीएस चलता है, जैसे बहुत सारी परीक्षाएं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं अन्य अन्य राज्यों में, मध्य प्रदेश में या बिहार में, और विशेषकर उत्तर प्रदेश में, जहाँ बहुत समय व्यतीत करना पड़ता है छात्रों को, प्रतियोगियों को। एक आयोग सही से पेपर परीक्षा नहीं करा पाता है, परीक्षा का एग्जाम डेट ही क्लियर नहीं कर पाता है कि एग्जाम कब होगा। फिर परीक्षाएं अगर होती हैं तो उसका नियुक्ति प्रक्रिया में, उसके अन्य रिजल्ट जारी करने में, नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होने में भी लगभग 2 साल, 3 साल, 4 साल का समय लग जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केबीएस का प्लानिंग ये होता है कि अगर केबीएस की फॉर्म आ गया तो 6 महीना अधिकतम सीमा होता है, अधिकतम 6 माह के अंदर पूरी तरह से पूरी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहला प्रश्न यह कि केबीएस का आंसर की कब आएगा, तो केबीएस का आंसर की सभी सब्जेक्ट का 6 से 10 मार्च के मध्य देखने को मिलेगा, यह बात आप जान लें। और रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट भी मार्च के अंतिम सप्ताह में, 25 से 31 मार्च के मध्य आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आप लोग को। और भी किसी